वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टुडे आज का टॉपिक जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिंस, हम लोग हेलोवेरिंस को कैसे बनाएंगे। लास्ट जो टॉपिक था हम लोग का कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिंस, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिंस। हेलोवेरिंस को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड जो यूज करेंगे हम लोग फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के हेलोजिनेशन के द्वारा हम लोग हेलोवेरिंस को बना सकते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और थर्ड मेथड है फ्रॉम रासिक प्रोसेस, इसको कॉमर्शियल मेथड भी बोला जाता है, दैट इज द कॉमर्शियल मेथड। तो एक एक करके अब हम लोग सारे मेथड को देखेंगे हेलोजिनेशन और बेंजीन से कैसे बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड फ्रॉम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मींस क्लोरीनेशन बोल सकते हैं हम लोग, ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जब हेलोजिनेशन करवाया जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लेविस एसिड हम लोग लेते हैं, यहाँ पे वो फेरिक क्लोराइड हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ये आल्सो हो सकता है। फेरिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन, इसके प्रेजेंस में ये सब होता है। इसमें क्या होता है, होमोलिटिक पहले फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन होता है। मैकेनिज्म हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक्स क्लोरीन और ब्रोमीन, और सो सिंपल सा मेथड, इसके द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। दैट इज द हेलोबेंजीन और इट इज बेंजीन। सेकेंड मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो प्रिपरेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले बनाते कैसे, बेंजीन का हम लोग एनिलीन वाला फॉर्म लेंगे, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन को जब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ मिक्सअप किया जाता है तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्शन का भी पार्ट है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा हम लोग बहुत सारे हेलोरिंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट रिएक्शंस हैं। इसका बहुत सारा रिएक्शन हम लोग देख लेंगे एक ही साथ। अगर इसका हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ करते हैं तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन होने वाला है वो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर इसका क्लोरोबेंजीन हम लोग को ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेंगे हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शंस को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं।
इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं उसमें। इसका अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड एक्वस ले लें तो यहाँ पे ये आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें रिमेनिंग N2 बन जाएगा, यहाँ पे भी N2 बन जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस KCl बाहर चला जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग को फ्लोरोबेंजीन बनाना है यहाँ पे, तो टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे इस बेंजीन के साथ इसका एडिशन होगा N2BF4, तो माइनस हो जाएगा। इसका हम लोग आगे जब रिएक्शंस करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, फ्लोरीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3। तो ये सारा जो प्रोसेस हम लोग देखें, ये हेलो एल्केन्स का बनाने के लिए हम लोग को क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, हाइड्रोबेंजीन बनाना है या फ्लोरोबेंजीन है। इस रिएक्शंस को हम लोग बॉल्ज सीमेन रिएक्शंस भी बोलते हैं, बॉल्ज सीमेन रिएक्शंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग इसका गेटरमैन रिएक्शंस देख लेंगे हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शंस दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शंस, इसमें क्या करना है हम लोग को कि क्यूप्रस क्लोराइड के जगह पे सिर्फ कॉपर का पाउडर ले लेंगे। यहाँ पे कॉपर का पाउडर और HCl, तो ये रिएक्शंस कहलाएगा गेटरमैन रिएक्शंस। तो इस तरह हम लोग फ्रॉम बेंजीन टाइटेनियम क्लोराइड से ये बना सकते हैं हम लोग। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉम रास्चिक प्रोसेस, इसको कॉमर्शियल मेथड ही बनाया जाता है, इंडस्ट्री में जो बनता है इसी मेथड के द्वारा बनता है, कॉमर्शियल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन ले लेते हैं, इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में, प्लस यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 मोल बेंजीन है तो 2 मोल क्लोरीन 2 हो गया, अब ये रिएक्शंस जाके बैलेंस हो गया। तो इस तरह हम लोग हेलोएरिंग्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।